गणतंत्र दिवस को नहीं भुवनेश्वर अनुषित होइछि फुल ड्रेस रिहर्सल। एहि परेड रे 50 ग्रुप भाग नहीं। दिनक परे जनवरी 26 रे गांधी मार्ग रे अनुषित हेब परेड। ताहा पूर्वरु आज फाइनल रिहर्सल परेड अनुषित होछि। गणतंत्र दिवस को नहीं भुवनेश्वर अनुषित होइछि फुल ड्रेस रिहर्सल। एहि परेड रे 50 ट्रुप भाग नहीं। दिनक परे जनवरी 26 रे गांधी मार्ग रे अनुषित हेब परेड। ताहा पूर्वरु आज फाइनल रिहर्सल परेड अनुषित होइछि। गणतंत्र उपलक्षे प्रस्तुत होइछि राजधानी भुवनेश्वर गांधी मार्ग रे आज अनुष्ठित होइछि फुल ड्रेस रिहर्सल। पाखापाखि 50 अधिक टीम कंटिजेंट भाग नहीं। पुलिस कथा कहतु, सशस्त्र बाहन कथा कहतु, कमांड कथा कहतु, आंध्र पुलिस गोटे टीम मध्ये सामिल होती। सिविलियन को मिसाई पाखापाखि 50 ऊर्ध ट्रुप अंशग्रहण कर 15-18 अधिक पुलिस और सशस्त्र बाहन टीम मानक पैरेड प्रदर्शन पर प्रज्ञापन मेढ़ जो सामिल होती विभिन्न अनुष्ठान विभिन्न स्कूल विभिन्न नृत्य अनुष्ठान जो मैंने ओडिशा लोककला लोक संस्कृति को आज विश्व दरबार में परिचित कराई परेड में सामिल होती। प्रज्ञापन मेढ़र ये होती गोटे गोटे टीम समस्त सामान ढंग से किपर भाव में ओडिशा लोककला लोक संस्कृति को परेड में उपस्थापन कर देख पारे। जनवरी 26 में जितेबाला मुख्य अतिथि भाव में मंच उपस्थित रहिबे पतुआ उत्तोलन प्रोफेसर गणेशी लाल राज्यपाल महोदय एवं सम्मानित अतिथि भाव में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक उपस्थित रहिबे। सेतेबाले एही परेड उपस्थापित हेब समान ढंग से आज फुल ड्रेस रे रिहर्सल करा जायछि। पाखापाखि 200 बछा बछा अफिसर को नहीं परेड टी उपस्थापित हेब। डीजीपी निजे घटनास्थल अच्छा आज जो फुल ड्रेस रिहर्सल चली गांधी मार्ग से यह हूँ सीधा सड़क चित्र गांधी मार्ग से जितेबाला फुल ड्रेस रिहर्सल चली से डीजीपी निजे पहुँचती घटना को निजे परखिंट किपर भाव में जो जनवरी 26 में परेड उपस्थापन हो सेतेबाला कौन परिस्थित न सृष्टि हुए जो कौन अप्रीतिकर परिस्थिति न सृष्टि हुए से डीजीपी निजे दायित्व भार ग्रहण करे सुरक्षा व्यवस्था को जांच कर 9 प्रज्ञापन मेढ़ भाग नहीं आज जो फुल ड्रेस परेड थिला एवं समान ढंग से जनवरी 26 रे सेमाने परेड में सामिल हेब। एवं समस्त परेड जो समस्त 9 प्रज्ञापन मेढ़ सामिल होते प्रथम दक्ष अफिसर द्वारा पुलिस एवं सशस्त्र बाहन अफिसर मान द्वारा परेड उपस्थित होता और पर विभिन्न स्कूल विभिन्न शिक्षानुष्ठान छात्र छात्री मान द्वारा स्कटिंग शो डेयर डेविल शो विभिन्न शो उपस्थित होता और पर प्रज्ञापन मेढ़र 9 शो उपस्थापित होता जो जो मैंने सामिल होती शेषर जो शेषर प्रज्ञाप्ति मेढ़ समस्त उपस्थापित कर सारे और शेष उपस्थापित होती ओडिशा फायर सर्विस 2 अत्याधुनिक जान अभिवादन अतिक्रम कर सीधा सड़क चित्र जपर भाव समस्ते प्रज्ञापन जो जो टीम मैंने रही थे प्रज्ञापन मेढ़ जो समान ढंग से उपस्थित करुले आज से सामिल होते समान ढंग से जनवरी 26 में जितेबाला पताका उत्तोलन हम जो मुख्यमंत्री राज्यपाल उपस्थित रे मंच से सामान ढंग से उपस्थित रोची शेष परेडर शेष चित्र देखिपे जिते शेष समय ओडिशा अग्निशम विभाग 2 अत्याधुनिक जान सामिल होती शेष समय देखिपे ये परेडर शेष चित्र जो प्रथम सशस्त्र बाहन द्वारा 18 सशस्त्र बाहन द्वारा परेड उपस्थापित होता और परवर्त समय विभिन्न शिक्षानुष्ठान कथा कहतु विभिन्न अनुष्ठान कथा कहतु से द्वारा करा हो शेष
समा फुल ड्रेस रो जो रिहर्सल थिला आज होची ए होची शेष चित्र ओडिसा फायर सेफ्टी ऑफिसर माने उपस्थित रही चंती एवं किपर भाव पर निजर रखु चंती ए होची सीधा सळख चित्र देखि पारुथिबे गांधी मार्ग रो सीधा सळख चित्र थिला ए एवं जतबळे जनवरी 26 रे उपस्थित रहिबो परेड उपस्थापन हम ये गांधी मार्ग में सामान ढंग से किपर भाव में सुरखुर सही पार से आज संपूर्ण ढंग से उपस्थापित होता सामान ढंग से दक्ष अफिसर मानक नहीं आज रिहर्सल करहर्सल करा हूँ फाइनाल रिहर्सल थी संपूर्ण ड्रेस संपूर्ण ड्रेस किपर भाव में रिहर्सल था देखुले पचास रु अधिक दक्ष अफिसर 200 रु अधिक दक्ष अफिसर को नहीं परेड प्रस्तुत होता आंध्रर एक टीम परेड में सामिल होती एवं जितेबाला किपर भाव में प्रस्तुत कर राज्यपाल जो आसवे मुख्यमंत्री जो आसवे से किपर भाव में प्रस्तुत रेड से डीजीपी भक्त सुनील बंशल बैट रखुन प्रतिक्रिया ना शुणा दुदिन आग 26 जनवरी रो जो मारो समारोह हेबा को जाउची सेटा 74वां संविधान रो स्थापन दिवस हेबा को जाउची और एई पाई जो हमें परेडटा आज देखिलु सेटा होची आरो फाइनल रिहर्सल जेंती आपन समस्त देखिले हमारा जो आर्मी अच्छी नेवी अच्छी पुलिस रो जो गुड़ाए विंग अच्छी स्कूल रो पिला माने जो अच्छा और एनसीसी वाला अच्छा अन्यान्य जो लोग अच्छा से समस्त अति उत्साह रे से परेड रे भाग नहीं तापर आम जो सांस्कृतिक कार्यक्रम रो खूब सुंदर प्रदर्शन देखिलु गत 2 बरस हला आम परेडटा एत भल भाव करूँ जेहेतु कि कोविड चली था किंतु एत अत्यंत हर्षर विषय कि ए बरस आम जमी परेड करवा कथा से एंजय करीचु और एटा आज के फाइनल रिहर्सल है फुल परेड और विथ फुल डेकोरेशन जो मंच आदि इत्यादि अच्छी ताको फुल डेकोरेशन टा अपन 26 जनवरी को देखी पारे यही परेड रे सुरक्षा पाई आम पर्याप्त संख्या रे जो हमारा पुलिस बल अच्छी ताको डिप्लॉय करा जाएगी और जो अन्यान्य जो ऑफिसर माने अच्छा से इंश्योर करेंगे कि जो परेड रो जो कार्यक्रम अच्छी से मात्र भुवनेश्वर रे नहीं किंतु समस्त उड़ीसा रे जिते डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अच्छा और जिते अन्यान्य जो शहर गुड़ा अच्छा स्कूल अच्छा समस्त इे जिते अच्छा से थे जमी ये जो प्रोग्रामा अच्छा अच्छी से भल भाव संपर्क हो पार यटा आम समस्त जो आज जो आम करने को जाऊ खूब गर्वर विषय और यही गणतंत्र दिवस जो स्थापना होटा आम समस्त भारत लोकों पर हमारे जाति लोक हमारा देश यहाँ खूब उत्साह और गर्वर विषय रही आप जानते और जो हमारा जो ये जो डिस्प्ले रही एटा आमर अनुशासन पर्व रहा आम देखाई पार समस्त लोगों को देखाई पार कि आम केमती सबूपाई आम कितने गौरवान्वित अच्छु और हम देश रो सुरक्षा पाई समाज रो सुरक्षा पाई और सबू स्थान रे आमर जो सुरक्षा बल अच्छा से नेवी था कि एयरफोर्स था कि आर्मी था और ता पुलिस कि पारामिलिट्री फोर्सेस कि एनसीसी कि आमर जो छोटे पिला माने मध्ये अच्छा से सबू देश रो विकास पाई एकजुट होकर हमें जातीय पताका अंडर रे आम समस्त एकजुट होकर रहूछु थैंक यू डीजीपी सुनील बंशल प्रतिक्रिया रखुते शुणुते किपर भाव में सुरक्षा व्यवस्था को कड़ाकड़ी एवं विभिन्न दक्ष अफिसर को नहीं परेड उपस्थापित हो आज फुल ड्रेस रिहर्सल अविनाश जमी आप देखा फुल ड्रेस रिहर्सल बर्तमान चली जनवरी 26 समस्त गांधी मार्ग में प्राक्ट कर नजर रखी था अविनाश बहुत बहुत धन्यवाद आप समस्त सूचना आज प्रदर्शन करागला जोटा 26 तारीख दिन फाइनल पैरेड हम जो व्यवस्था अच्छी कमिश्नरेट पुलिस ए व्यवस्था को केमती ठीक भाव में कर सुरक्षा बंदोबस्त कर पूरा सुरक्षा बंदोबस्त 200 अफिसर नियोजित हेबे कहीं खाली ए पैरेड ग्राउंड ना पूरा भुवनेश्वर रे आम सुरक्षा व्यवस्था को लागू करिबु 30 प्लाटून फोर्स लगे पैरेड ग्राउंड जोटी अच्छी आम जो महात्मा गांधी मार्ग
ସେଠି ତିନି ଲେୟାର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହେ ଟ୍ରାଫିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଆମେ ଟ୍ରାଫିକ ଆଡଭାଇଜରି ଅଲରେଡି ଦେଇସାରିଛୁ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ରାସ୍ତାକୁ ସଂଯୋଗ କରିଥିବା ସବୁ ରୋଡ଼ରେ ସକାଳୁ ଆମର ଟ୍ରାଫିକ କଟକଣା ରହିବ, କାହିଁକିନା ପ୍ୟାରେଡ୍ କଣ୍ଟିଞ୍ଜେଣ୍ଟ ଆସି ଏଇଠି ଏକତ୍ରିତ ହେଇ ପ୍ୟାରେଡ୍ କରିବେ। ଆଉ ଯେଉଁ ଅଛି ଥ୍ରୀ ଲେୟାର ସିକ୍ୟୁରିଟି, ତା ବ୍ୟତୀତ ଆମର ଯେଉଁ ଗୁଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥାରୁ ବି ପ୍ଲେନ୍ କ୍ଲଥ୍ରେ ଲୋକ ମୁତୟନ ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଅତୀତର ସବୁ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ଏକାଠି କରି ଆମର ପୋଲିସ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ହେଇଛି, ଯେଉଁ କାହାକୁ ଚେକ୍ କରାଯିବ, ପ୍ଲେନ୍ କ୍ଲଥ୍ ଡିପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ। ଏ ସମୟରେ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଆମର ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଅନୁସାରେ ସେ ଏୟାରପୋର୍ଟ ହଉ, ଷ୍ଟେସନ ହଉ, ଏଠି ବି ଆମର ସର୍ଭେଲାନ୍ସ ରହୁଛି। ତେଣୁ ସବୁ ଦିଗକୁ ଆମେ ନଜରରେ ରଖି ଏଇ ପୋଲିସ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିଛୁ, ଯେମିତିକି 74ତମ ଗଣରାଜ୍ୟ ଦିବସ ରାଜଧାନୀରେ ଅତି ଉତ୍ସାହର ସହିତ, ଉଦ୍ଦୀପନାର ସହିତ, ବର୍ଣ୍ଣାଢ଼୍ୟ ପରିବେଶରେ ସମାହିତ ହେବ।